सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जिगर एंड आप देख रहे हैं जिगर आर्ट स्टूडियो। तो आज तो आप पिछले वीडियो में देखे कि हम एक प्रॉपर हाइपर रियलिस्टिक स्केच A4 साइज पे हम प्रॉपर एक स्केच राम जी का बनाने वाले हैं बना रहे थे। एंड आज इसी को कंटिन्यू करते हुए हम कंटिन्यू करते हैं एज अ प्रॉपर हाइपर रियलिस्टिक स्केच। तो चलिए शुरू करते हैं। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हमारे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करिएगा क्योंकि आने वाले सारे अपडेटेड आपको मिलते रहेंगे। तो गाइस, पिछली वीडियो में हम लोग ने पार्ट वन में बात किया था कि हम आउटलाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे उसको फिलअप करेंगे एंड कैसे हम एक प्रॉपर ग्रेड मेथड से हम एक प्रॉपर स्केच बना सकते हैं। एंड आज मैं फिर से एक वीडियो लेके आ गया हूँ जिसमें हम बात करेंगे श्री राम जी के जो प्रॉपर मुकुट है उसको हम शाइनिंग एंड शेड करना चालू करेंगे। मैंने आउटलाइन पहले ही बना दी है एंड आज शेडिंग की बारी है। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं एंड आप फुल प्रोसेस वीडियो का देखिए तभी आपको समझ में आ पाएगा कि एक प्रॉपर हाइपर रियलिस्टिक स्केच किस तरह से बनाया जाता है, कितने उसमें कितने मेथड होते हैं उसको करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। मेरा हमेशा से आपको एक सलाह रहता है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी डार्क टोन को ब्लेंड करने के लिए, अगर आप चारकोल वर्क कर रहे हैं तो किसी भी चीज़ को ब्लेंड करने के लिए अक्सर आप, अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड ब्रश का यूज़ करें, स्टम्प पेपर का यूज़ करने आप करते तो हो लेकिन उसमें जो पेपर्स के लेयर होते हैं, जो हमारे पेपर्स के GSM होते हैं, उसमें इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे पेपर स्टम्प का। इसीलिए मैं हमेशा प्रेफर करूँगा कि आप किसी भी चीज़ को, किसी भी चारकोल को ब्लेंड करने के लिए आप प्रॉपर एक ब्रश ले लीजिए एंड उससे ब्लेंड कीजिए। आप टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं सॉफ्ट हैंड से ब्लेंड करने की कोशिश कर सकते हैं, बट मैं कभी प्रेफर नहीं करूँगा ब्लेंडर का, पेपर ब्लेंडर का यूज़ करने के लिए। तो आप देखते रहिए एंड एंजॉय कीजिए वीडियो को। तो हम जान लेते हैं एक प्रॉपर हाइपर रियलिस्टिक स्केच को बनाने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आउटलाइन को प्रॉपर अच्छी तरह से, अच्छी प्रॉपर ढंग से बनाना आना चाहिए। अगर आप स्केच के जो आउटलाइन को प्रॉपर अच्छी तरीके से बना नहीं पाओगे तो वो हम रियलिस्टिक लुक नहीं ला पाएंगे। अगर किसी आउटलाइन में अच्छा अपना प्रेफर डालते हो, अपना मोटिव डालते हो उस आउटलाइन को, स्केच को बनाने के लिए, तो एक बार में आप वो लुक ला सकते हो। तो मेरे बताने का ये मतलब है कि आउटलाइन कभी भी बनाओ तो प्रॉपर एक तरीके से बनाओ। Nothing to stop me falling. Who knew that looks could kill? I don't wonder why I'm breathing heavy like the weight of it's on my chest. On my chest. Cause it ain't no lie. I need it more than any metaphor. Guys, I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आपने बहुत कुछ सीखा होगा हमसे। एंड चलिए आज का वीडियो यहीं कंप्लीट होता है एंड मिलते हैं हम आपको थर्ड पार्ट में। चलिए।